अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मित्रों नमस्कार, आज हम लोग बोर्ड मास का नियम सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड मास यानी बी फॉर ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ओ फॉर ऑफ मतलब का, डी फॉर डिवीजन मतलब भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए फॉर एडिशन मतलब जोड़, एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। यानी कि बोर्ड मास में हमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, मतलब कोष्ठक। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं, छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। जब सवाल में छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ दिया हो तो सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, फिर मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे, फिर बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे। उसके बाद अगर उस ब्रैकेट के अंदर इन सभी में से कोई भी चिन्ह हो, गुणा का, भाग का, गुणा का या फिर जोड़ का या फिर घटाव का, तो इन सभी में से सबसे पहले हम का काम करेंगे, यानी उसका काम गुना जैसा होगा, फिर हम भाग का काम करेंगे, फिर उसके बाद गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ का काम करेंगे, फिर घटाव का काम करेंगे। अगर का और भाग एक साथ दिया हो तो हम सबसे पहले का काम करेंगे, फिर भाग का काम करेंगे। चलिए आइए अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है चार प्लस छोटी कोष्ठ तीन माइनस दो छोटी कोष्ठ बंद दिया गया है, तो इसे हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट दिया गया है और ब्रैकेट के अंदर तीन घटाओ दो दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये चार है तो इसको चार लिख लेंगे, और इधर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो तीन में से दो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, एक, तो यहाँ पे एक लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे चार और एक के बीच क्या साइन है, जोड़ का, तो इसको सिंपल हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पांच। फिर आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसे हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर छोटी कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ दिया गया है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करते हैं, तो यहाँ भी सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह देंगे और चार को लिख देंगे, प्लस उसके बाद मध्यम कोष्ठ भी लिखेंगे, छ लिखेंगे, माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट का काम करना है तो उसके अंदर चार माइनस दो दिया गया है, यानी इसे हम घटा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दो। और ये दोनों ब्रैकेट को दोनों तरफ से हटा देंगे छोटी कोष्ठ को। अब बच क्या जाएगा, मध्यम कोष्ठ बचेगा, इसे लिख लेंगे। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, चार को लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे हम मध्यम कोष्ठ को हटाएंगे तो उससे पहले छ में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा, चार, और यहाँ पे चार लिखेंगे और इस मध्यम कोष्ठ को दोनों तरफ हटा देंगे तो कितना है, यहाँ पे आ गया चार प्लस चार। अब इस दोनों को सिंपल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आठ, यही आंसर होगा। आइए फिर हम अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, तीनों कोष्ठ दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, यानी कि उससे पहले जितना कुछ लिखा हुआ है उसको लिखेंगे और छोटी कोष्ठ में जाकर के छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। तो यहाँ पे आठ माइनस बड़ी कोष्ठ, छ माइनस मध्यम कोष्ठ, चार माइनस, अब यहाँ पे छोटी कोष्ठ है तो इसको अंदर जो भी संख्या है और जो चिन्ह दिया है उसके अनुसार काम करेंगे और उसको लिखेंगे। तो यहाँ पांच घटाओ दो दिया गया है तो हम क्या करेंगे, घटा करके यहाँ पे लिखेंगे तो पांच में से दो घटेगा तो कितना बचेगा, तीन, यहाँ पे तीन लिखेंगे और दोनों तरफ से छोटी कोष्ठ को हटाएंगे तो इधर बचेगा मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आठ लिखेंगे माइनस बड़ी कोष्ठ, छ माइनस, अब यहाँ पे हम लोग मध्यम कोष्ठ के निकट है तो सबसे पहले मध्यम कोष्ठ के अंदर जो संख्या है उसका काम करेंगे, यानी कि चार घटाओ तीन, तो चार में से तीन घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक, तो यहाँ पे एक लिखेंगे और दोनों तरफ से मध्यम कोष्ठ को हटा देंगे तो फिर क्या मेरा बचेगा, बड़ी कोष्ठ बच जाएगा, इसको लगा देंगे। फिर आगे हम क्या करेंगे, आठ लिखेंगे और माइनस, उसके बाद अब हमें बड़ी कोष्ठ का काम करना है तो छह में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, पांच, तो यहाँ पे हम पांच लिखेंगे और बड़ी कोष्ठ को हटा देंगे। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, आठ में से पांच घटाना है तो कितना बचेगा, तीन, तो ये हमारा आंसर होगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमें हल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करेंगे तो यहाँ पे आठ लिखेंगे, उसके बाद हम सीधा सीधी छोटी कोष्ठ के निकट चले जाएंगे, तो बाकी को जैसे लिखा हो वैसे हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे छोटी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ के अंदर भाग है, का है, जोड़ है और घटा है, तो सबसे पहले
क्या करेंगे, यहाँ पे भागनी और का है, तो सबसे पहले का काम करेंगे, तो यहाँ पे चार भागा और का, दो और दो के बीच में का है, यानी कि इसको गुणा करना है, तो दो गुना कितना होगा चार, बाकी फिर प्लस नौ माइनस तीन लिखेंगे, फिर छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ लगा देंगे। फिर अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आठ भागा और बड़ी कोष्ठ छ प्लस मध्यम कोष्ठ आठ माइनस छोटी कोष्ठ। अब यहाँ पे भाग का काम करना है, तो चार से चार में भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा, प्लस नौ माइनस तीन लिखेंगे, फिर छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ लगा देंगे। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये आठ लिखेंगे भागा बड़ी कोष्ठ छ प्लस मध्यम कोष्ठ आठ माइनस छोटी कोष्ठ। अब इसमें हमको क्या करना है, इस दोनों को जोड़ लेना है, तो नौ कितना होगा दस, दस घटाओ तीन, मध्यम छोटी कोष्ठ बंद, मध्यम कोष्ठ बंद और बड़ी कोष्ठ को लिख लेंगे, बंद कर देंगे। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, आठ भागा बड़ी कोष्ठ छ प्लस मध्यम कोष्ठ उसके बाद आठ माइनस, अब हमको यहाँ पे ब्रैकेट हटाना है, छोटी ब्रैकेट को हटा देना है, तो दस में से तीन घट जाएगा तो कितना बच जाएगा सात, तो यहाँ पे सिंपल सात लिखेंगे और उसके बाद छोटी कोष्ठ दोनों तरफ से हटाएंगे और मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ को रहने देंगे। फिर अगला स्टेप पे हम लोग चलेंगे, तो आठ भागा बड़ी कोष्ठ छ प्लस, अब यहाँ पे हमें मध्यम कोष्ठ को हटाना है, तो आठ में से सात घटेगा तो कितना बचेगा एक, तो यहाँ पे एक लिखेंगे और मध्यम कोष्ठ को हटा देंगे, फिर यहाँ पे बड़ी कोष्ठ लगाएंगे। आगे आठ भागा, यहाँ पे अब बड़ी कोष्ठ है और बड़ी कोष्ठ के अंदर दो ही संख्या है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा सात, सात लिखेंगे, अंत में यहाँ पे आठ भागा सात, यानी कि सात से आठ में भाग देना है, तो सात से आठ पूरा पूरा नहीं करता है, इसलिए इसको आठ बटा सात लिखेंगे, यही आंसर होगा। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, तो बाकी जैसे वैसे हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग छोटी कोष्ठ के पास आ गए और इसके अंदर का भाग जोड़ घटाव दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे का काम करेंगे, तो आठ दुना कितना हो जाएगा सोलह भागा चार जोड़ नौ घटाव तीन। फिर हम किसका काम करेंगे, फिर उसी ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और बाकी का ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे अब क्या काम करना है, हमें भाग का काम करना है, तो चार से सोलह में भाग देंगे कितना बार कटेगा चार बार, तो चार लिखेंगे, प्लस नौ माइनस तीन, उसके बाद छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ को लगा लेना है। फिर अब हमें फिर बहत्तर लिखना है और यहाँ पे माइनस तीन मध्यम कोष्ठ माइनस चार छोटी कोष्ठ, अब इसके अंदर हमें जोड़ और घटाव दिया गया है, तो पहले जोड़ का काम करते हैं, तो नौ चार कितना होगा तेरह और माइनस तीन, फिर छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ लगा देंगे। फिर आगे बहत्तर भागा बड़ी कोष्ठ माइनस तीन इंटू मध्यम कोष्ठ माइनस चार, और यहाँ पे तेरह में से तीन को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दस, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हम लोग गुणा का चिन्ह रखते हैं और होता है, तो यहाँ पे दस मध्यम कोष्ठ बंद हो जाएगा और बड़ी कोष्ठ बंद हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाकी जैसे वैसे लिखते चले जाएंगे यहाँ तक मध्यम कोष्ठ तक, और मध्यम कोष्ठ में दिया गया है माइनस चार और दस, इसके बीच गुना है और यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे हम क्या देंगे गुना का चिन्ह देंगे और इस दोनों संख्याओं को गुना करके लिख लेंगे, कितना हो जाएगा दस चौका चालीस, यानी कि माइनस चालीस होगा, इसलिए यहाँ इसको मध्यम कोष्ठ के अंदर ही रखेंगे। और फिर अगला स्टेप में चलते हैं, बहत्तर भागा तो इसको इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा चालीस दिया एक सौ बीस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट एक ही साथ हटा देंगे तो एक सौ बीस लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, बहत्तर में एक सौ बीस से भाग देना है, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, बहत्तर भागा एक सौ बीस, अब ये कटने वाले होंगे तो चार से दोनों कट रहे हैं, तो अठारह चौक बहत्तर और तीस चौका एक सौ बीस, ये भी फिर से कटेगा, नौ दुना अठारह और पंद्रह दुना तीस, फिर ये तीन से कट जाएंगे, तीन तिहाई नौ और पांच तिहाई पंद्रह, तो हमारा आंसर कितना होगा तीन बटे पांच।